आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है या हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। जो हमारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें परेशान करते रहते थे, वो टेंशन में है। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया मिर्च पेड़े मार रहा है अभी। और वो इसलिए टेंशन में है क्योंकि उनको लगता है कि उनके हाथ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलने वाला है और इंडिया जो है वो बस कब्जा करने ही वाला है। वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता। पाकिस्तान में बड़े से बड़े फन्ने खान से ले के रेडी वाले तक को पता है पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। इंडिया पे कोई कर्जा नहीं है, उनके पास खुद अपने रिजर्व ठीक है। खड़ा भी है या नहीं, बैठा है, कान पकड़ के वो मुर्गा बना हुआ है या लेटा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है। उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे, छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं। पहली बार जो हमारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें परेशान करते रहते थे, वो टेंशन में है। और वो इसलिए टेंशन में है क्योंकि उनको लगता है कि उनके हाथ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलने वाला है और इंडिया जो है वो बस कब्जा करने ही वाला है। अल्टीमेटली सोच कर देखिए, एक होता ना डायलॉग है ये डर अच्छा लगा, वही सिचुएशन है कि ये डर जो है इनके बीच में ये अच्छा लगा। क्यों? इसके दो रीजंस। पहला, अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरा जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे, बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पा रहे। दूसरा, उन लोगों को पहले मतलब उरी एयर स्ट्राइक, उरी सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक से लेकर सारी की सारी चीजें घुस के मारना, आप सोचिए। और अभी अभी खबर जिस तरीके से आई है कि लश्करे तैयबा का पूरा मॉड्यूल जो है वो रजौरी और पुंछ के अंदर बस्ट कर दिया गया है, और 10 लाख जिसके पास ऑर्डर है और 10 लाख का रिवॉर्ड जिसके सर पे है उसकी फोटो वोटो जारी करके कह दिया कि भाई इसे निपटाना है। इसका मतलब उधर एक अननोन गनमैन बैठा है, यहां इंडिया के 10 लाख, उधर बैठेंगे 30 लाख, और कौन सा अननोन गनमैन, कैसा गनमैन, और 30 लाख भूखे नंगे लोगों के बीच में 30 लाख रुपए आप अंदाजा लगा कर देंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ओपनली कह रही है कि बाकी सब चीजें हमारी, तो पैसा ले मार। एक तो ये डर है, दूसरा डर ये है कि इस टाइम पर जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं गायत्री, वो इस खतरनाक लेवल पर चल रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा बुरी दुर्गति पाकिस्तान की होने वाली। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर डिस्टरबेंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन बाल भी बांका नहीं कर पा रहा। जो थोड़ा सा घुसने की कोशिश करता है उसकी वहीं पर गर्दन तोड़ दी जाती है। पाकिस्तान से सोचकर देखिए, कमांडर्स जो हैं, जो लश्कर कमांडर अगर पाकिस्तान में बैठा है वो इंडिया में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो इतने डिमोरलाइज हैं कि उन्हें पता है तुमने एक बार बॉर्डर के आसपास भी अगर तुम दिखाई दिए तो हो सकता है तुम्हें वहीं खत्म कर दिया जाए। तीसरी बात, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है और गिलगित बाल्टिस्तान है, तो ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बहुत ही अल्टीमेट लेवल के, मतलब एक ऐसी पनाहगार है, एक ऐसा हेवन है टेररिस्ट का, जिसके अंदर पहाड़ी इलाका है पूरे का पूरा, पूरे के पूरे ट्रेंचेस हैं, पूरा मतलब ट्रेंचेस कह रहा हूँ सॉरी वैलीज हैं और सब चीजें, वहां पर इनके हाइडआउट बड़े जबरदस्त होते हैं और वहां से ऑपरेशन लॉन्च करना बहुत ही आसान काम है। और ये इंडिया के हाथ में क्यों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान की हालात से, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बुरे वाला है, कटोरा लेके बस खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हालत खराब है। उससे बुरी दुर्गति यह है कि दे आर कंसिस्टेंटली लूजिंग देयर टेरिटरीज टू तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये पूरे तरीके से तालिबान या तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपनी टेरिटरीज लूज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है या हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है
कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है और लॉन्ग टर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मेरी नाकिस राय में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है, ये उसकी ख्वाहिश और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक विज़न है। अलबत्ता ये विज़न किस अंदाज में परसू किया जा रहा है, ये वो मैं समझता हूँ बहुत अहम पहलू है जिसमें जो स्टेटस को वर्ल्ड पावर्स हैं या इमर्जिंग या रिसर्जेंट पावर्स हैं या जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं या इवन P5 भी जो है उसको निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकती है। चाइना भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, रूस भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, और मैं समझता हूँ हमारे जो अमरीकी दोस्त हैं उनके लिए ये मामला एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि जहाँ वो एक जानब स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के राइज और बिल्डअप की एज़ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, वहाँ उनको ये बात निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए कि इवेंचुअल जो एंड है भारत का वो शेयर करता है मॉस्को और बीजिंग के साथ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का। तो अगर तो अमेरिका का बुनियादी एट द सिस्टमिक लेवल ऑब्जेक्टिव स्टेटस को एक्सटेंड या सिक्योर करना है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के इमर्जेंस को डिले या डिसरप्ट करना है, तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा ट्रोजन हॉर्स तो उनके अलायंस सिस्टम में भारत बनता है, जो कि उनके वसाइल, उनकी सिफारतकारी, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चीन को कंटेन करने के नैरेटिव के गार्ब में इवेंचुअली ख़ुद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करके उससे अपने सॉवरेंटी और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व भी करना चाहता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक जानब वो अपने आप को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गर्दानता है, लेकिन दूसरी जानब उसका जो बायलैटरल ट्रेड जितना अमेरिका के साथ है तकरीबन उतना ही चीन के साथ है। तो एक जानब वो अमेरिका के साथ से जो सिफारती और दिफाई तावुन हासिल कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक सपोर्ट फॉर गेटिंग मेंबरशिप इनटू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन तमाम स्ट्रेटजिक अरेंजमेंट्स में। तीसरी जानब वो SCO का भी एक मेंबर बन चुका है और चौथी जानब वो ब्रिक्स का भी मेंबर बन चुका है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो मैं समझता हूँ क्वांटिटेटिवली भी अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए तो ये चार फोरम्स जो हैं ब्रिक्स, SCO और उसके अलावा जो एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी है अमेरिका की और साथ ही साथ नॉन अलाइन मूवमेंट, तो इनमें से तीन जो फोरम्स हैं उसमें भारत एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है।